हेलो भैया जी, बहन जी, आज हम कर रहे हैं अपने घर का रेनोवेशन। यहाँ पर फूल पत्ती लगा रहे हैं, जल्दी से लगाते। ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बू। स्टार्टिंग मैंने जो भी किया उसे भूल जाना, बहुत बहुत गंदा था वो, ठीक है? तो उसे भूल जाओ आप, और मैं वो जल्दी से ऊपर जाता हूँ। कमेंट में मजाक उजाक मत करिए ज़्यादा, ठीक है? ऐसे भी कौन से कमेंट आते हैं, हम गरीब हैं। तो मैं ये जल्दी से फूल पत्ती यहाँ से जोड़ता हूँ, ऐसा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा फिर घर, नेचुरल फील आएगी बिल्कुल ऊपर से। तो मैं यहाँ पर फूल पत्ती लगाता हूँ, फूल तो है नहीं, पत्ती है, पत्ती है बस, जो कि पेड़ उड़ से हम तोड़ के लेके आए हैं शेयर की मदद से। अब घर के पिछवाड़े से अंदर घुसते हैं हम जल्दी से, और मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि हमारा शुगर केन फार्म इतना छोटा है कि क्या ही वो। तो मैं यहाँ पर शुगर केन लगा रहा हूँ, मेरा दोस्त वीड लगा रहा था। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ ये। तो मेरा दोस्त जल्दी से यहाँ पर आता है मुझे फार्म का चीज देने के लिए, और मैं यहाँ पर खोदता होता हूँ, और खोदने उनने के बाद मैं यहाँ पर जल्दी से पानी वानी लगाता हूँ, शुगर केन लगाता हूँ, और ये फार्म पूरा करता हूँ, वरना तो ये फार्म सालों लगा देगा, मैं क्या ही करूं। और वैसे भी इससे एक ही काम होगा, एमरल्ड लेना, क्योंकि सबसे आसान एमरल्ड लेना इसी से है। और एक विलेजर रखा है, एक विलेजर कहीं से और से ले आएंगे उठा के किडनैप करके, और फिर यहाँ पर फिर ब्रीडिंग करवाएंगे, गलत ना ही समझे। और ये पता नहीं डायमंड की पिकैक्स उठा के ले आता है अंदर से पागल, मैं इससे शुगर केन मंगाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी शुगर केन लगाता हूँ, क्योंकि तो शुगर केन ही लगेगा तभी तो काम बनेगा। तो मैं यहाँ पर स्लैब लगा देता हूँ जिससे हम पानी के अंदर ना घुस जाएँ, और बस ये हमारा शुगर केन तैयार हो गया है फार्म। ये धीरे धीरे करके बड़ा करते रहेंगे टाइम टू टाइम, अरे अभी तो नहीं करेंगे, इतना ही बड़ा सही है, अभी जितने चाहिए उतने तो हैं ही। तो मैं इधर उधर देखता हूँ कि कहीं पर छूट तो नहीं गया है, और कहीं पर नहीं छूटता है, तो जल्दी से हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं, और ऊपर अपने घर की तरफ जाते हैं जल्दी से। और घर के पास जाने के बाद मैं देखता हूँ कि ये पीछे देखते हैं कैसा लग रहा घर, घर के पिछवाड़े पे आता हूँ और ये देखता हूँ, और ये अजीब सा घर लग रहा है, पता नहीं कैसा बाहर निकला हुआ घर, अंदर से तो सही लगता है, बाहर से घटिया लगता है। कमलेश, कहाँ का रहने वाले? भोपाल। यहाँ पे कैसे आया? और यहाँ पर दिखते हैं मुझे दो दो कमलेश, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं साले, और वो एक तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। तो मैं जल्दी से जो काम करने आया था वो काम करने के लिए अपने घर में जाता हूँ, और एक कमलेश यहाँ पर भी आ जाता है पता नहीं मेरे पीछे पीछे, और ये क्रीपर यहाँ पर आ जाता है, और क्रीपर सामने की तरफ खिड़की के सामने चलने लगता है बिल्कुल किसी सुपर स्टार की तरह, ये सोचते हैं बहुत बड़े स्टार हैं हम, और इसके पास जाएंगे तो फट जाएगा ये, हमारा घर भी फाड़ देगा साथ में खाली मुली में। तो हम कहते हैं इसे जाने ही दो, तो मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मुझे लेदर चाहिए होता है बुक्स बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर सब गायों की ब्रीडिंग करवाने के बाद मैं ये शीप के बाड़े में जाता हूँ, और यहाँ पर इन सब की ब्रीडिंग करवाता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, ब्रीडिंग व्रीडिंग करवाने के बाद मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, वरना तो यहाँ पर मेरा गेम बहुत लैग होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जानवर उनवर हो गए हैं पता नहीं। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ जल्दी से, हाँ हमारा शुगर केन फार्म भी चलने लगा है आराम से, अच्छा खासा बड़ा हो गया है। और मैं यहाँ पर पैं पैं आवाज़ सुनता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने विलेजर को देखने आता हूँ, हमारे बाकी तो मर गए, घूमते रहते साले, सोते नहीं थे अपने घर में जाके, गेट खोल के सोते थे, एक दो बार तो मेरे लिए मरवा दिया था इन दोनों ने, दोनों नहीं काफ़ी सारे थे लेकिन बचा एक ही, और मैं अपने घर में आ गया आराम से बिल्कुल। और यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने उखने के बाद मैं यहाँ पर वेट वेट रखता हूँ, और यहाँ पर चेस्ट उस देखने रखता हूँ मैं, और यहाँ पर अपना वेट रख देता हूँ,
और फिर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं अपने पुराने वाले घर की तरफ। अब पुराने वाले घर में तो हम जल्दी से जाएंगे, और ये घुसता ही नहीं, पता नहीं इधर अटक जाता है पागल की तरह। तो हम जल्दी से आते हैं, और मेरे दोस्त यहाँ पर एक रेल सिस्टम बनाता है जो कि बड़ा घटिया ऐसा है। तो ये नीचे आने के लिए सही है, लेकिन ऊपर जाने के लिए एकदम घटिया है। तो ऊपर जाने के लिए मैं सीढ़ियाँ ही इस्तेमाल करूँगा, इसका तो इस्तेमाल सिर्फ नीचे आने के लिए रहेगा। और मैं ऊपर जाता हूँ जल्दी से, और इसने आधा ही बनाया है रेल सिस्टम, पूरी ऊपर तक लेके ही नहीं गया है। वहाँ पर जाओ तो वापस हमारी रेल आ जाती है अगर जल्दी से यहाँ से नहीं उतरो। देखो नीचे तो काफ़ी तेज आता है ये, लेकिन ऊपर जाने में हक देता है बिल्कुल। पता नहीं कैसा है वो, अभी थोड़ी देर बना रहा होगा पूरा। ऊपर जाने के लिए हम सीढ़ियाँ इस्तेमाल करेंगे इसलिए, और नीचे आने के लिए अपना रेल सिस्टम, क्योंकि सीढ़ियों से बहुत धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो हम यहाँ पर सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, और हमारा ऊपर नीचे जाने का काम हो जाता है आराम से। बस यहाँ पर हमारा हंगर बहुत ज़्यादा जाता है सीढ़ियाँ चढ़ने में, तो यहाँ पे से जल्दी से नीचे जाते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं चेस्ट वेस्ट में कहीं लेदर वेदर मिल जाए हमें, तो यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, और ये पागल घुसता ही नहीं है। और मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ नीचे की तरफ, और मैं माइनक्राफ्ट भी नहीं लेके आता हूँ नीचे तेज से जाने के लिए, तो ऐसे ही चल चल के जाना पड़ता है मुझे, बेकार था। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ जल्दी से धीरे 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 धीरे, और अपनी मेन वाली केव में जाता हूँ जहाँ पर हमारे लिए एक एमेथिस्ट क्लस्टर मिला था। जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि ये बहुत सही जगह है। तो मैं यहाँ पर आराम से नीचे उतरता हूँ ताकि गिर ना जाऊँ, और ये जगह बहुत बढ़िया साउंड करती है एकदम मस्त सी। और मैं सोचता था कि इसके लिए तोड़ने के लिए हमें सिल्क टच चाहिए होता है, लेकिन नहीं चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर दो तीन ब्लॉक तोड़ते हैं, और ये भी तोड़ लेते हैं जिससे हमें एमेथिस्ट के शार्ड्स मिल जाते हैं। और ये छोटा वाला तोड़ दिया खाली मुड़ी में, जो कि बड़ा भी नहीं होता है। तो ये डेकोरेशन पर्पस के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो हम सबसे नीचे वाली केव में आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा बहुत झांकते हैं कि कहीं पर हमारे लिए ऐसे ही डायमंड दिख जाए। डायमंड तो नहीं होते यहाँ पर, स्लाइम लाइम बहुत होते हैं, पता नहीं क्यों। मेरा दोस्त कहता है जहाँ पर मुझे पहला डायमंड मिला था यहाँ पर आने के बाद, तो वहाँ पर चेक कर कि डायमंड वूमेंड मिल रहे हैं कि नहीं, और नीचे खोद के और ऊपर से स्लाइम करता है नीचे के लिए। इनमें से दो को तो मैं मार देता हूँ, और तीसरा वाला बहुत शातिर होता है, पता नहीं वो लावा के ऊपर कैसे दौड़ रहा है, और मुझे लिए लावा के अंदर गिरा देता है। अच्छा होता है मेरे पास में पानी होता है तो मैं बच जाता हूँ आराम से। अब स्लाइम तो बहुत मतलब इधर निकल जाता हूँ, पर नहीं निकला इस बार। तो अब लगाता हूँ अपना टॉर्चेस वॉचेस लाइट करने के लिए, क्योंकि यहाँ इन केव्स में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो यहाँ पर लाइटें वाइटें लगाने के चक्कर में मेरे साथ एक बहुत मस्त चीज़ होने वाली है, अभी देखना आप। तो यहाँ पर लाइटें वाइटें लगाने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर आयरन की तो बिल्कुल ही कमी नहीं है, क्योंकि इतना सारा आयरन है यहाँ पर, कुछ कहो मत, आपको आयरन की तो कमी इस अपडेट में पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं जैसी लाइट लगाता हूँ यहाँ पर मुझे दिखते हैं डायमंड्स, और मेरे पास एक आयरन की पिकैक्स भी होती है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर ये डायमंड्स को माइन कर लेता हूँ। और ये डायमंड्स को माइन करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ जल्दी से, यहाँ पर टोटल 5 डायमंड्स होते हैं, जो कि बहुत मस्त बात है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, और ये लाइट वाइटें लगाता हूँ सब जगह पर। तो मैं यहाँ पर घूम घूम के इन केव में बोर हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, मुझे बहुत बेकार लगता है। तो मैं जल्दी से ऊपर आता हूँ, और यहाँ पर आके भैंस वैंस को खाना खिला के ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर खिलाता हूँ खाना वाना। तो खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पर रात होने लगती है, तो मैं जाता हूँ सोने के लिए अपने घर की तरफ जल्दी से। लेकिन वो मेरा दोस्त घर पे होता ही नहीं है, वो कहीं पर माइन में चला जाता है।
और वहाँ पर खुदाई वदाई कर रहा होता है, तो मैं अपने घर में आ जाता हूँ वापस। हाँ यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लेफ्ट कर दे गेम, तो वो लेफ्ट कर देता है, मैं यहाँ पर सो जाता हूँ और जल्दी से दिन हो जाता है यहाँ पर। ये वैसे टैक्टिक बढ़िया है, वैसे तो 1.18 में आप तो मेरा दोस्त माइनिंग वाइनिंग करके नैदर के रास्ते सीधे घर में आ जाता है और मैं नीचे होता हूँ और फिर रात हो रही होती तो हम सो जाते हैं। और यहाँ से वो गोल्ड वोल्ड बहुत सारी चीज़ें माइन करके लेके आता है, 9 डायमंड्स भी लेके आता है यहाँ पर घर पे। और वो 9 डायमंड्स रख देता हूँ मैं, 27 हो जाते हैं। और इतना सारा आयरन लेके आता है और यहाँ पर तो वहाँ पर आयरन वायरन स्मेल्ट करने रखने के बाद, गोल्ड वोल्ड रखने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ वुड वुड, देखता हूँ कि थोड़ी वुड वुड मिल जाए। और मेरा थोड़ा इसका आर्मर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो अपना आर्मर वूमर सही करता है, एक हेलमेट बना लेता है जल्दी से, जिससे ये अपना आर्मर रिपेयर कर सके। और ये किस पोजीशन में खड़ा है पता नहीं, और ये एक्सपी तो हाथ में ही नहीं आती पता नहीं क्यों, और ये बिना एक्सपी के लेके ही मुझे आना पड़ता है। और मेरे लिए ये बंदा एक तीर मारता है और मेरा हेलमेट भी टूट जाता है, तो ये मेरे लिए जल्दी से एक हेलमेट बनाता है और जल्दी से मेरे को दे देता है। फिर मैं जल्दी से ये हेलमेट पहन लेता हूँ जिससे हमें भी सेफ रहें। तो ये खाना वाना बना रहा होता है और मैं कहता हूँ बीट रूट सूप पीते हैं चलो, तो इसके पास हंगर होता ही नहीं है, तो मैं उछलने के लिए कहता हूँ जल्दी से इसको, फिर उछलता उछलता है और मैं बीट रूट सूप पीता हूँ आराम से और ये उछलता रहता है। अब मैं इसे देखते देखते बीट रूट सूप पी लेता हूँ सारा का सारा। मैंने तो उसको बीट रूट सूप दिया था, ये कौन से नशे करने लगा पता नहीं, नाचने लगा पागल, सोके उठ के भागने लगा। और मैं जल्दी सुबह होने के बाद यहाँ पर आता हूँ, बुक्स वुक्स बनाता हूँ और जल्दी से इंचेंटिंग टेबल का काम ख़त्म करने की सोचता हूँ कि इंचेंटिंग टेबल जल्दी से ख़त्म हो जाए हमारी। लेकिन हमारे पास सारी की सारी बुक्स नहीं होती, तो बुक शेल्फ की अभी भी कमी है, जो कि थोड़ी देर में मिलेंगे क्योंकि जितनी बहस थी मैंने सारी मारी। तो मैं कहता हूँ जब तक बहस वहस बड़ी हो रही है तो मैं तब तक एक अनलिमिटेड उसे क्या कहते हैं लावा फार्म बना लेता हूँ जल्दी से, ताकि हमारे लिए आराम से लावा की कोई कमी ना पड़े। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लगाता हूँ, मेरे दोस्त को वहाँ पर ड्रिप स्टोन भी मिलते हैं जिससे हम आराम से लावा की अनलिमिटेड सोर्स बना सकते हैं। 1.18 में ये बढ़िया चीज़ है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर डर्ट वर्ट प्लेस करता हूँ और यहाँ पर जगह को पूरा करता हूँ, बंद कर देता हूँ। और फिर मैं अपने घर पे जाता हूँ गोल्डन वोल्डन लेने। अब पहले ड्रिप स्टोन लगा देता हूँ जिससे हमारी चीज़ें ड्रिप होंगी सारा लावा, जिससे हमारी अनलिमिटेड लावा का सोर्स मिल जाएगा पूरा। तो यहाँ पर ड्रिप ड्रिप स्टोन लगा के हम जल्दी से अपने घर की तरफ जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से कोल्टन वोल्टन बनाते हैं और यहाँ से बाल्टी भी ले आते हैं। और यहाँ पर हम करते हैं मिशन इम्पॉसिबल वाली ट्रिक, कूद कूद के नीचे जाते हैं, चाहे हमारे कितने भी डांस पड़े लेकिन हम कूद जाते हैं। तो यहाँ से हम जल्दी से लावा ऊपर निकालते हैं क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा लावा नहीं होता है, यहीं से हम निकाल लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पर जल्दी से हम एक जगह बनाते हैं, यहाँ पर जल्दी से कोल्ड्रन प्लेस करते हैं ताकि इन्हीं में लावा तो भरेगा और किस में भरेगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कोल्ड्रन प्लेस करता हूँ और फिर ऊपर जाने की जगह बनाता हूँ। और ऊपर जाने के बाद हमें बिल्कुल बीच में लावा डालना है जिससे पूरी जगह पर स्प्रेड हो जाए। मैं इधर लावा डालता हूँ लेकिन ये पूरी जगह में स्प्रेड नहीं होता, तो मैं एक ब्लॉक उधर साइड डाल देता हूँ जिससे पूरा का पूरा इवनली स्प्रेड हो जाता है इधर उधर। और फिर हमारा नीचे अनलिमिटेड लावा फार्म चालू हो जाता है। हम ऐसे ही करके अनलिमिटेड पोशन फार्म भी बना सकते हैं आराम से। जब ये सारे ड्रिपस्टोन बड़े हो जाएंगे तो हम इससे अनलिमिटेड पोशन फार्म भी बनाएंगे। हमारे लिए कुछ टाइम पहले 2 पोशंस मिले थे एक ट्रेजर से, जो कि हमारे लिए ऐसे ही मिल गया था पता नहीं कैसे। और मेरे लिए यहाँ पर पूरी की पूरी इंचेंटिंग टेबल ख़त्म हो जाती है।
लेकिन एक की कमी पड़ती है, और मेरा दोस्त नैदर में जाता है और यहाँ पर आग लग जाती है। घास ने उसका वही तोड़ दिया और मैं भी पागल इससे लगा रहा हूँ, इससे बुझा रहा हूँ आग को फ्लिंट एंड स्टील से। तो मैं कहता हूँ मैं वापस एक्टिवेट करता हूँ जल्दी से पोर्टल। तो मैं यहाँ पर एक्टिवेट करता हूँ पोर्टल और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक बुक शेल्फ की कमी है, तो मैं दो रख देता हूँ ताकि इवन लगे आराम से। और मैं वहाँ पर एक कांच तोड़ देता हूँ सामने की तरफ, तो मैं कांच वाच बनाता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ जल्दी। और फिर कांच वाच का काम तो ख़त्म हो जाता है, तो मैं एक कांच वाच सारा का सारा रख देता हूँ और यहाँ चलते हैं। मैं देखने जाता हूँ कि लावा फार्म काम कर रहा है कि नहीं, और उसने आराम से दो कोल्ड्रन भर भी दिए हैं अभी जल्दी से, और धीरे धीरे करके सारे कोल्ड्रन भरता जाएगा। और ये भरने के बाद हमारे लिए आराम से हम यहाँ से लावा उठा सकते हैं बिल्कुल। और ये बड़े हो जाएंगे तो हम आराम से रीजनरेशन के पोशन अनलिमिटेड बना सकते हैं, और उसका क्या नाम, उसका वाटर ब्रीदिंग का पोशन अनलिमिटेड बना सकते हैं। वो आप आगे की वीडियो में दिखाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तब तक के लिए।